सो गाइज़, अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो नीमो है इसकी तबीयत इस बार बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आप देखिए पूरा ब्लैक हो गया है। तो बस इसी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। सो मेरा नाम है अमान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आसमान एडवेंचर। सो गाइज़, आप देख सकते हो कि पहले भी नीमो कई बार बीमार पड़ा है और हमने उसे सक्सेसफुली ट्रीट भी किया है। ऑलमोस्ट ये मेरे पास अभी 2 साल से है और इनिशियली तो ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता था, लेकिन अभी इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप उसका कंडीशन देख सकते हो। ये इसे कुछ ना कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो ही जाता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर इसका इम्यूनिटी शायद वीक है, जिस वजह से ये इतना ज़्यादा बीमार होता है। आप देख सकते हो उसका जो हेड है श्रिंक तो हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है कि वो पंक्चर टाइप हो गया है। आप देखिए इसे यहाँ पे, और फूड वगैरह नहीं ले रहा था बहुत ज़्यादा, उसका मतलब हालत एकदम ख़राब हो गई है। सो अभी इसे ट्रीट कैसे भी करना ही होगा, क्योंकि आपको पता है बहुत टाइम से, जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास ये 2 साल से है एंड काफ़ी एक्टिव और बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव भी है। लेकिन ऐसा बीमार हो जाता है तो उसे देख के नहीं अच्छा लगता है, और अभी इसका बीमार होने का रीज़न यही रहेगा, जैसे जो क्लाइमेटिक चेंज हुआ है उस वजह से इसको थोड़ा सा इम्पैक्ट हो गया। थोड़ा नहीं, मैं बोलूँगा इसको अभी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया है उस चीज़ का, और उस वजह से जैसे अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसे होता है तो ये उसको ठीक तरीके से फाइट नहीं कर पाता है, जिस वजह से बीमार बहुत ज़्यादा पड़ता है ये। बट लकीली हर बार हम इसे क्योर कर लेते हैं, और इंशाल्लाह इस बार भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसे हम अच्छे से बचा लें। सो देखिए, ये मैंने थोड़ा बाद में उसका वीडियो लिया था, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि उसका जो कंडीशन है वो कैसा है। मैं आपको एक दिन के बाद का वीडियो भी दिखाता हूँ कि उसका कंडीशन कैसा है। बट अभी आप देख सकते हो वो मतलब ऐसा कंडीशन में देख के अगर कोई न्यू हॉबीस्ट रहेगा तो वो यही सोचेगा कि अभी इसे बचाना बहुत मुश्किल है। तो आप देख सकते हो हेड के ऊपर भी मैंने बताया था उसका हेड पंक्चर हो गया है, मतलब पंक्चर नहीं हुआ है वैसा लग रहा है, और बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गया है, कलर तो पूरा चला गया है। सो ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो इसमें आप देख सकते हो कलर वगैरह थोड़ा आ गया है, वो स्विम भी कर रहा है। हालांकि हेड श्रिंक है, कलर 20% आया जो उसका ओरिजिनल कलर है उससे अगर आप कंपेयर करो तो, बट स्टिल इम्प्रूवमेंट है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्प्रूवमेंट आ जाता है दैट मीन्स कि आप उसके लिए जो भी कर रहे हो वो चीज़ अच्छे से हो रही है और उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है। तो थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट है तो वही चीज़ कंटिन्यू करके हम उसे अच्छे तरीके से पूरा क्योर कर सकते हैं। सो अभी आप देखिए वो रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, इंटरैक्ट भी कर रहा है। ये इसके पहले जो अभी आपने वीडियो देखा था, मतलब जो क्लिप देखा था, वो बैठा है साइड में, ये उसके नेक्स्ट डे का क्लिप है। सो अभी मैंने क्या किया तब जाके ये ऐसा हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। फ़िलहाल मैंने कोई मेडिकेशंस वगैरह नहीं दिया उसको, जैसे मैं ज़्यादा करके आपको बताता हूँ मैं बहुत जल्दी मेडिसिन यूज़ नहीं करता हूँ फिशेस के लिए। सो इसको भी मैंने रॉक सॉल्ट ट्रीटमेंट ही दिया। मोस्ट ऑफ फ्लावरॉन्स है या कामफास है, उनको अगर आप एक गुड रॉक सॉल्ट का बात दोगे तो उनका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आपको देखने मिलेगा। मैंने आपको बताया था पिछली बार भी मैंने इसे रॉक सॉल्ट की मदद से ही ठीक किया था, और इस बार भी आप देख सकते हो थोड़ा तो मतलब पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, हालत तो बहुत ख़राब है, बट आप देख सकते हो कि एक ही दिन में मैंने 50 से थोड़ा ज़्यादा, 60% भी नहीं, 50 से थोड़ा ज़्यादा पानी मैंने चेंज किया था, और उसके बाद मैंने रॉक सॉल्ट ऐड किया था। सो उसका आप रिज़ल्ट देख सकते हो, एक ही दिन में इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है। ये 24 आवर्स हो गए होंगे उसको। अब यही चीज़ अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ 2-3 दिन तो आई होप कि वो पूरी तरीके से क्योर हो जाएगा, और जैसा भी रहेगा उसका फीडबैक तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये बार उसे पूरी तरीके से क्योर होने से पहले ही वीडियो बनाने का मेन रीज़न यही था कि हमेशा मैं वेट करता हूँ, पूरा उसको क्योर करता हूँ, सारा जो वीडियोस है वो थोड़ा थोड़ा कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बट इस बार मैंने सोचा कि जो लाइव चल रहा है, जो करंट स्टेटस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो बस उसी वजह से मैंने ये वाला वीडियो फ़िलहाल बनाया है, जिसमें ये पूरी तरीके से क्योर नहीं हुआ है बट रिज़ल्ट आपके सामने है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, मतलब अभी हेल्दी लग रहा है जैसा था उससे, तो मतलब दिख रहा है कि वो ठीक हो रहा है। सो पूरी तरीके से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बट जैसे मैंने बताया, जो भी है अपडेट तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करते ही रहूँगा, और फिलहाल उसका कंडीशन अच्छा है। ये फीड लेना भी स्टार्ट कर दिया है थोड़ा थोड़ा, आप देख सकते हो।
बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही खा रहा है, बट नहीं खा रहा था उससे तो कहीं ज़्यादा बेहतर है कि थोड़ा खाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आपका फिश जब फूड लेना स्टार्ट कर देता है सो ऑटोमेटिकली उसका इम्यूनिटी वगैरह सब बढ़ जाता है, थोड़ा हेल्दी हो जाता है और रिकवर होने में और आसानी हो जाती है उसको। सो बस यही सारी चीज़ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा था। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपके अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, और हमारे नीमो के लिए आप प्रे भी कीजिए कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए और वो इतना फ्रीक्वेंटली बीमार ना पड़े। और यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं इसमें जो भी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस ऐड करता रहूँ वो आप लोगों तक इजीली पहुँच जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड हैप्पी फिश कीपिंग।